क्रिएट कर सकते हैं फिर क्रीज ड्रॉ करें, हम पहले क्रीज ड्रॉ करके फिर कॉर्नर्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, दोनों तरीके ठीक हैं। अब मैंने पहले क्रीज ड्रॉ कर ली, अब मैं कॉर्नर क्रिएट करूँगी, ठीक है। अब मैंने जिस कलर से क्रीज ड्रॉ की वही कलर लूँगी मैं, और यहाँ पर मैं अपना लैश का बाल हमारा जहाँ ख़त्म हो रहा है ना, यहाँ पर मैं इस कलर को अभी सिर्फ रखूँगी। ये कलर कहाँ तक? अपनी क्रीज की डेप्थ तक, यहाँ तक मैं सिर्फ इस कलर को लेकर जाऊँगी। अभी ये हाफ और सॉफ्ट कट क्रीज है, ठीक है। ये कलर यहाँ रखने के बाद अब मैंने यहाँ से इसको ब्लेंड करना शुरू किया, इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने अपने कलर को जितना इन्हेंस करना है थोड़ा थोड़ा लेकर मैं उस कलर को इन्हेंस करूँगी। अपनी जो आई बॉल है, खोलो आँख, ये आई बॉल है ना, ठीक है, बंद कर दो आई बॉल। जहाँ से अब ये स्टार्ट होनी है उससे पीछे पीछे हम इस कलर को रखेंगे। आप क्या करते हो, आप बहुत आगे ले जाते हो और अपने लिड एरिया की स्पेस को आप छोटा कर देते हो, कम कर देते हो, इससे क्या होता है आँख छोटी लगती है। लिड एरिया को हम जितना बड़ा रखेंगे हमारी आँख उतनी बड़ी लगेगी। ये कलर मैंने अभी यहाँ पर रख दिया, सही कहाँ तक, जहाँ मेरी ये आईज का बाल है ख़त्म हो रहा है, यहाँ थोड़ा सा हल्का सा रिफ्लेक्शन गया है। अब मैं इसको करूँगी ब्लेंड अपने ट्रांजिशन कलर के साथ, सही। अब क्योंकि मुझे एक कट दिखाना है क्रीज का, तो मैं अपने इस कट को ख़त्म नहीं करूँगी, हल्का सा सिर्फ ब्लर करूँगी अपने ट्रांजिशन कलर के साथ, ताकि उसमें से निकलता हुआ जो हमारे एक मेकअप का पर्पज़ होता है उसमें से निकलता हुआ ये कलर नज़र आए, हमारी क्रीज की जो हमने ड्रॉ किया है शेप वो ख़त्म ना हो। थोड़ा थोड़ा कलर लिया और हमने इसको ब्लेंड करना शुरू किया।